GU20 अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मिस्टर फिरतू लाहौर रेलवे जंक्शन से आज की एक नई वीडियो के साथ खिदमत में आपकी हो चुका है हाजिर। और आप देख रहे हैं मिस्टर फिरतू, और अब से कुछ ही देर में 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस आने वाली है। तो मैंने सोचा कि जैसे कि रमज़ान चल रहा है, ग्रीन लाइन एक्सप्रेस का रिव्यू हो जाए। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो जल्दी से मेरे चैनल मिस्टर फिरतू को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे, क्योंकि हम फिरते हैं। रोड़ी जा रहे हैं, और फर्स्ट न्यू चाइनीज कोचेस में आपका ट्रैवल है। कौन सी क्लास है आपकी? इकोनमी है। और अच्छा, इतना भारी भरकम सहरी नहीं देते, ये मुझे पता लगा, और हकीकत भी है। वो सामने ट्रेन आ रही है, खैर बात को कंप्लीट करते हैं। लेकिन आप अपने पास कुछ सहरी का इहतमाम है? हाँ, ये बात अच्छी है ना। ओके जी, ये मेरे सामने GU20, अभी इसका नंबर भी आपको पता लग जाएगा। और ये सहरी के लिए फूड है ग्रीन लाइन एक्सप्रेस में। इसी सिलसिले में आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ, और सबसे पहले हम ग्रीन लाइन एक्सप्रेस को वेलकम करते हैं। पैंतालीस पैंसठ GU20। मैं कोशिश करूंगा कि पैसेंजर से बात करूं जिन्होंने इफ्तारी की है, कि आया वो सेटिस्फाई हैं या नहीं। और आज काफ़ी आगे जा चुकी ट्रेन। जी तो दोस्तों, किसी पैसेंजर से भी बात करने की कोशिश करता हूं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। इस्लामाबाद से आए हैं आप? जी जी। अच्छा, थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा, इफ्तारी आपको मिली है? मिली है। अच्छा, मैं यही जानना चाह रहा था कि आने वाले दिनों में कुछ पैसेंजर्स ने सफ़र भी करना है, वो जानना चाह रहे हैं कि कैसी इफ्तारी है, पेट भर जाता है, एहतमाम कैसा है? पेट तो घर नहीं भरता है इधर तो, मतलब जितनी जी जी ठीक है, तो इफ्तारी बेहतर फ्रूट वगैरह घर से लें, इधर वही जो आपको जी जी मतलब के घर से लाना जरूरी है पेट भरने के लिए। ओके जी, शुक्रिया जी। जी और भी किसी से बात करने की कोशिश करता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। इस्लामाबाद से आ रहे हैं आप? अच्छा, तो सहरी सॉरी इफ्तारी का इहतमाम कैसा था? ठीक था, पेट भरा है। जी जी, वैसे फ्रेश था। तो आप कहाँ जा रहे हैं? कराची जा रहे हैं। और आपकी क्लास कौन सी है? इकोनॉमी क्लास है। ओके जी, शुक्रिया जी। तो व्यूवर्स, पार्लर कार, और तकरीबन यहाँ जो पैसेंजर्स की तादाद है वो ना होने के बराबर है फिलहाल। इफ्तारी का इहतमाम कैसा है? इफ्तारी में पकोड़े वगैरह थे जी, मेरे ख्याल में बंदे के लिए ठीक थी। ठीक थी, और बाकी खाना तो नहीं था उसके साथ। अच्छा, खाना बात है, तो खाने का बंदोबस्त खुद कर लें। जी जी जी, जी मैंने कि आप रिलाय करें कि इफ्तारी के साथ खाना भी मिलेगा। जी जी, तो खाना नहीं है और पानी की बोतल भी साथ लाएं। बिल्कुल, बाकी चीज़ें थी, बाकी चीज़ें थी। और आप कराची जा रहे हैं, सहरी का इहतमाम भी होगा या नहीं होगा? जी बिल्कुल, नहीं तो खाने वाले से कुछ ना कुछ अपना अरेंज कर लेना आप। ओके जी, शुक्रिया। ज़्यादा बड़ी तादाद
इकोनॉमी में ट्रैवल करती है और इकोनॉमी क्लास वाले जो पैसेंजर्स हैं इन्हीं से ही मैंने बात की रिसेंटली। ये भी पैसेंजर जा रहे हैं कुछ अभी फिलहाल केबिन खाली 35 मिनट का जी जी। शंटिंग दोस्तों हो चुकी है और अब मेरे ख्याल से ट्रेन बैग जाएगी। जी शंटिंग हो चुकी है तो गाड़ी अब जाएगी बैग और काफ़ी बैग जाएगी जी। तो व्यूवर्स ट्रेन बैग पर जाने लग गई है। काफ़ी बैग पर जा रही है ट्रेन और ये देखें पहले भाग कर आगे गई हैं अब भाग कर फिर देखें पहले सारी आवाम आगे आई है। इन्हें कहा भी जा रहा था कि पीछे रहें अब ये फिर दोबारा पीछे जा रहे हैं तो ये पाकिस्तानी कौम है चलता है जी। एम सी यू 15:49:26 फुल पीक पर जोर लगा रहा है। शोले निकल रहे हैं अंदर से जी। तो दोस्तों कोचिस अटैच होती हैं जी U40 लीड करेगा। एक कोच व्यूवर्स अलग होकर आगे चली गई थी और जी U20 की क़ियादत में अब ये दोबारा अटैच हो रही है। जी तो व्यूवर्स ये देखें ये आज का सवाल है ये सवाल है आज का। जी तो व्यूवर्स GEU40 लीड करेगा 90:34 और अब से कुछ ही देर में आपको डिपार्चर दिखाऊंगा। लगेज पैन में सामान बिल्टी पूरा टेप से पैक करके ग्रीन लाइन एक्सप्रेस में रखा जाता है। ये देखें कैसे पैकिंग हुई हुई है इसकी। तो व्यूवर्स इस साइड पर एक बार फिर से मैं आया हूँ और यहाँ के जो पैसेंजर थे वो सवार हो चुके हैं। पीछे रश इस वजह से था क्योंकि वो लाहौर कोटा था और अब तकरीबन पैसेंजर्स की बड़ी तादाद इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल कर रही है और ऐसी स्टैंडर्ड अगर देखा जाए तो फुल नज़र नहीं आ रहा। तो अब लोकोमोटिव के पास दोबारा चलता हूँ और आपको डिपार्चर दिखाता हूँ। एक बार फिर से मैं लोकोमोटिव के पास आ चुका हूँ और GU40 गन गरज और स्मॉग छोड़ रहा GU40। तो अब से कुछ ही देर में डिपार्चर है। दोस्तों मेरे बैक साइड पर GU40 मौजूद है और तकरीबन गाड़ी डिपार्चर के लिए तैयार है। 8 बजे गाड़ी आती है राइट टाइम और 8:35 पर डिपार्चर है। कुछ मेंबर्स कमेंट्स में मुझे पूछ रहे थे कि इसका 15 मिनट टाइम जो है वो आगे किया गया है 15 मिनट्स। तो ऐसी कोई बात नहीं है, 8 बजे राइट टाइम गाड़ी आती है PM और 8:35 पर डिपार्चर। जी तो दोस्तों ग्रीन लाइन एक्सप्रेस 6 डाउन कराची के लिए लाहौर से रेडी है 9:34 की क़ियादत में GEU40।
एक बेहतरीन साउंड के साथ, और असिस्टेंट ड्राइवर साहब क्लियर सिग्नल ले रहे हैं गार्ड से। अभी बैक से रिस्पांस नहीं आया। बहुत ही हिला देने वाला इसका हॉर्न साउंड है। तकरीबन चेकिंग क्लियर। तो आप मुझे फॉलो कर लें जहाँ दिल करता है, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर, वो आपकी मर्जी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, डायरेक्ट जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद खानेवाल स्टॉप होगा, आगे फैमिलीज भी मौजूद हैं। तकरीबन रफ्तार पकड़ चुकी ट्रेन। इंतहाई तवील ग्रीन लाइन एक्सप्रेस, पार्लर कार तकरीबन मुझे खाली नजर आ रही है। तो व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस का रिव्यू किया मैंने, और इफ्तारी का एहतमाम कैसा था ये पैसेंजर से बराह रास्त पूछने की कोशिश की। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर आपने ज़रूर करना है। चैनल पर अगर अभी तक आप मेरे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। इसके साथ ही मिस्टर फिरतू लाहौर रेलवे जंक्शन से आज की इस वीडियो में आपसे चाहता इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।